एजुकेशनल वैकेंसीज अर्थात शिक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे मेहनती छात्रों, आज की यह सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ। इसमें मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, मतलब क्वेश्चन आंसर्स की व्याख्या के साथ साथ यह समझाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है और उत्तर को कैसे सिलेक्ट करना है। आप लोगों में से ही किसी छात्र ने यह सीरीज मुझे यह कहकर भेजी कि सर बहुत कठिन सीरीज है और समझ में नहीं आ रहे कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए तो इसको देखते हैं। और मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर आप 25 से ज़्यादा इस सीरीज में नंबर ले आते हैं, पहली बार अगर आपने ये देखी है सीरीज, तो आप 100% शिक्षक बन जाएंगे। और 25 से कम आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको मेहनत करने की बहुत अधिक आवश्यकता है, इसलिए इस सीरीज को आप कंप्लीट कर लीजिए। और अगर अच्छी लगे तो सीरीज पूरी देखने के बाद इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन दबाइएगा। किस सिद्धांत, पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी। ये व्यवहारवाद क्या है, गुणवर्त का नाम सुना है, व्यवहारवाद वही मानव की व्यवहारिक क्रियाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है और वर्तमान में वही चल रहा है। व्यवहारवाद की नींव किस सिद्धांत ने रखी, वैसे इसके लिए मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, संबंधवाद का सिद्धांत, वही इस व्यवहारवाद की नींव था। फिर भी ऑप्शंस में देखते हैं क्या दिया है, प्रकार्यवाद दिया है, गेस्टाल्टवाद दिया है, संयोजनवाद दिया है, संरचनावाद दिया है, मतलब संबंधवाद कहीं ऑप्शन ही नहीं है, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, इसमें एक शब्द है जो संयोजनवाद है, इसी के लिए संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका संबंध आपने सुना होगा बॉन्ड थ्योरी, एसआर थ्योरी या प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, अभ्यास आदि का, ये एक ही नाम है संयोजनवाद, सारे एक ही सिद्धांत के नाम है। और ईएल थॉर्नडाइक ने इसका प्रतिपादन किया था, इसलिए इसका उत्तर ये है, इसे संयोजनवाद कहो या संबंधवाद कहो। पर इसके साथ साथ प्रकार्यवाद, गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद क्या है, गेस्टाल्टवाद समग्र पे बात करता है, ये मैं बता देता हूं, और ज्यादा एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूंगा जब पर्टिकुलर इसी पे बात करूंगा। प्रकार्यवाद और संरचनावाद को एक ही टाइम पर इनका प्रतिपादन किया गया है, विलियम बुंट का आपने नाम सुना होगा, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जिन्होंने स्थापित की थी। तो प्रकार्यवाद और संरचनावाद, ये दोनों चेतना को आधार बनाकर इस पर चर्चा की गई है, परंतु दोनों ने चेतना को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। प्रकार्यवाद वाले ने तो चेतना में अलग, जैसे चेतन मन और उसके व्यवहार, इस पर आधारित बात की है, जबकि संरचनावाद में संवेग मन भाव आदि को आधार बनाकर बालक अधिगम कैसे करता है, इस आधार पर बात की गई है। इन दोनों को, प्रकार्यवाद को, संरचनावाद को रिप्लेस किया है किसने, व्यवहारवाद ने, जबकि संयोजनवाद जो है ये आधार है। आपको दोनों को समझना है, प्रकारवाद संरचनावाद को रिप्लेस करने के बाद आया है व्यवहारवाद, और संयोजनवाद व्यवहारवाद का आधार है, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, अगला क्वेश्चन है वायगोत्स्की के आधार बना के, थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूं, वायगोत्स्की का नाम शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। वायगोत्स्की नाम सुना होगा, वायगोत्स्की का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है, नींव का। तो आपको इस कहानी के लिए मैं बता दूं, वायगोत्स्की का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं अभी बता दूं, 1896 के लगभग इनका जन्म हुआ, डेट मुझे याद नहीं है, इन्हीं के साथ साथ जीन प्याजी का भी जन्म हुआ। पर वायगोत्स्की जो है ज्यादा नहीं जी पाए और जल्दी ही इनकी मृत्यु हो गई, जैसे स्वामी विवेकानंद 40 साल भी नहीं जी और मृत्यु, तो 40 साल के पहले ही वायगोत्स्की की मृत्यु हो गई, जबकि जीन प्याजी 80-85 साल लगभग जिए हैं। तो पहले वायगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर लिया था, उसके बाद जीन प्याजी ने प्रतिपादन किया था। वायगोत्स्की का सिद्धांत क्या है, आपने सुना होगा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या सामाजिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये वायगोत्स्की का है। इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया अपने सिद्धांत को, केवल यही बताया कि भाषा और खेल के मैदान में इस तरीके से बालक सीखता है इसके, उन्होंने फिर सिस्टम में भी बताया वायगोत्स्की ने, स्कैफोल्डिंग, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जीपीडी, लैंग्वेज, टूल्स ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक, इन सारी चीजों से इन्होंने अधिगम को माना है। जबकि संज्ञानात्मक विकास में थोड़ा सा अलग हो जाता है, उन्होंने आंतरिक चित्रण, अनुकूलन, आत्मावलोकन, आत्मसात्करण, समायोजन, इन पर आधारित माना है। तो वायगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इनका यह सिद्धांत, वायगोत्स्की का जो सिद्धांत है या वायगोत्स्की का जो काम है, वह संज्ञानात्मक विकास के लिए हेल्प करता है,
या उसके लिए नीब का काम करता है, ठीक है। बाकी तीन दिए हैं, आप अपने हिसाब से हटा दीजिए, वो स्पष्ट याद करने वाली बात है। कहानी से भी आपको याद रहेगा कि दोनों का एक साथ जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है। वैचारिक अधिगम स्पष्ट समझ लें, वैचारिक अधिगम का क्या मतलब है ये पहले। तो वैचारिक मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप सीख रहे हैं उसको बड़ी सावधानी उसका कॉन्सेप्ट समझें। इन्होंने इसको वैचारिक दे दिया है, जबकि अंग्रेजी में इन्होंने इसको कॉन्सेप्ट अवधारणा दिया है, तो यहाँ अवधारणा समझें। यही है अंग्रेजी में, क्योंकि यह पेपर जो बनाया है केरल वालों ने बनाया था, इंग्लिश मीडियम वालों ने, फिर उसकी हिंदी ट्रांसलेट की गई है, तो इसके कुछ वर्ड इन्होंने पेपर में ऐसे भी दे दिए, डायरेक्ट अंग्रेजी का ही शब्द इन्होंने हिंदी में लिख दिया, लिपि हिंदी में लिख दिया है, या फिर सही से हिंदी नहीं की गई है। विचार में तो चिंतन थिंकिंग आ जाता है, कॉन्सेप्चुअल ठीक है। तो निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है, मतलब कैसे होता है वैचारिक अधिगम। तो गहन अधिगम दृष्टिकोण से, पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण से, सामाजिक अधिगम दृष्टिकोण से, ये क्या है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, सामरिक अधिगम दृष्टिकोण से और स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण से। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा क्या मामला है। सामाजिक गहन अधिगम दृष्टिकोण का मतलब है डीपली पढ़ना। आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ये लिखा दिख रहा है डीपली, ठीक है। जब तभी तो आप किसी के विचार और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पृष्ठ अधिगम दृष्टिकोण, आप पृष्ठ से समझेंगे पीछे का, जबकि ऐसा नहीं है। पृष्ठ से मतलब सरफेस, सतही, मतलब ऊपर ऊपर का पढ़ लेना, ठीक है, ये भी नहीं लेना है। अगर आपको किसी के विचार चाहिए और डीप पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको ये केवल सरफेस पर पढ़ना ठीक नहीं रहेगा। सामरिक मतलब एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ना, ये हो सकता है आंसर। स्मृति आधारित अधिगम दृष्टिकोण, किसी चीज का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो उस समय आपकी स्मृति में कुछ है या नहीं है, आपको पहले से कुछ याद है कि नहीं, ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, पृष्ठ आधारित ऑप्शन नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन, सामरिक अधिगम अर्थात स्ट्रेटजी वाला लर्निंग और गहन अधिगम दृष्टिकोण। तो देखिए, स्ट्रेटजी आप किसी चीज की बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं उसको क्लियर कर लें। अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई पर आपने डीपली उसको नहीं पढ़ा ठीक से तो आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए स्ट्रेटजी तो एक अलग बात है, उसके लिए जरूरी है आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं समझने की कोशिश करो, उसमें आप डीपली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तभी उसके कॉन्सेप्ट को, उसके विचार को आप समझ पाएंगे। इसलिए इसका उत्तर होगा एक, डीपली, डीप लर्निंग अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको थोड़ा हम फिर माइनस जूम करते हैं। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस बात पर आधारित है। शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की, आप याद रखिए शिक्षा की बात नहीं की गई, शिक्षण दर्शन शास्त्र की बात की गई है, इसी के आधार पर हम उत्तर देंगे। तो इसका आंसर में देखते हैं क्या दिया है, सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते, ये ऑप्शन हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ शिक्षण की बात की गई, शिष्य की बात नहीं की गई, इसलिए तो ये ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। अलग अलग देशों में शिक्षण प्रणालियां देखी जाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात हो रही है, आंसर सही भी लग रहा है। फिर भी अगला ऑप्शन देखते हैं, विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण बताए हैं, व्यक्त किए हैं। हाँ, ये भी सही है, विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने, बिल्कुल सही है 100%। शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीके, ये भी सही है। तो फिर तीन सही है सर, क्या माने। देखो यहां पर शिक्षण प्रणालियां और विभिन्न तरीके शिक्षण अधिगम की, ये दोनों एक सी चीजें हैं, और दो जब एक से ऑप्शन हो तो वो ऑप्शन नहीं होते। और चूंकि यहां शिक्षण दर्शन शास्त्र को आधार रख के बात कही गई है तो यहां आंसर होगा विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षण के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण विकसित किए हैं, तो इसका आंसर होगा तीन नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, इसको हम जूम कर देते हैं थोड़ा। ओसीडी का मतलब क्या है, इन्होंने हिंदी में भी ओसीडी लिख दिया। ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माण कार्यों निर्माणों में किसे प्रभावित नहीं करता। ओसीडी निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में किसे प्रभावित नहीं करता, ये क्वेश्चन है। तो ओसीडी मतलब क्या है, ओसीडी का मतलब है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। डिसऑर्डर से मतलब समझ जाइए विकार, एक ये मनोग्रसित विकार होता है जिसमें आप कुछ चीजें समझ नहीं पाते, मनोग्रसित बाध्यता ये कहलाती है।
तो ये कौन सा है, मतलब संज्ञानात्मक निर्धारण प्रभावित नहीं करता, किसको प्रभावित नहीं करता ये? ठीक है, तो अपन समझते हैं अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास। अगर आप इस चीज को कि मुझे बहुत काम मिले, मुझे बहुत उत्तरदायित्व मिले, तो ये आपका रोग है, ओसीडी के अंतर्गत आएगा, इसलिए ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं हुआ, नहीं करता, ये प्रश्न पूछा है इसलिए आप क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ऑप्शन में क्या दिया है, व्यक्तिगत क्षमता को कम आंकना, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जिसमें आप अपने आप को कम आंकेंगे, नहीं यार मैं तो कमजोर हूं, तो ये भी आपका मनोग्रसित बाधित, ये विकार है। अनिश्चितता की असहिष्णुता, कोई चीज अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, तो आप असहिष्णु हो गए, डर रहे हैं या इंटोलरेंट हो रहे हैं, अगर कोई चीज निश्चित नहीं है तो, मतलब आने वाली चीज के प्रति असहिष्णु नहीं होना, तो ये भी एक मनोविकार है। विचारों पर नियंत्रण, अपने विचारों पर आपका नियंत्रण है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, तो ये तो अच्छी बात है, ये ओसीडी के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है ना, तो क्या आएगा ओसीडी के अंतर्गत, आप आजीव अजीबो गरीब आपका विश्वास है कि आप अतिरिक्त उत्तरदायित्व पर भरोसा करते हैं, या आप अपने आप की क्षमताओं को कम आंकते हैं, या अनिश्चितता की असहिष्णुता, मतलब जो निश्चित ही नहीं है क्या होने क्या होना है क्या नहीं होना है, जो कुछ हुआ ही नहीं उसी पर आप असहिष्णु हो गए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये तीनों रोग हैं मनोवैज्ञानिक, या यूं कहें मनोविकार है। विचारों पर नियंत्रण अच्छी बात है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनात्मक विकास खाली स्थान का हिस्सा है, भावनात्मक विकास, ठीक है, तो किसका हिस्सा है, यहां थोड़ा साइड कर लेते हैं, भावनात्मक विकास हिस्सा है क्रियात्मक मोटर विकास का, बिल्कुल आंसर नहीं है ये तो, क्योंकि भावना की बात की और क्रिया आ गया, इसलिए आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा सर, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक ज्ञान की बात है, इसलिए भावना चीज अलग है और ज्ञान चीज अलग है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा सर, मनोसामाजिक, अच्छा भावना में थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो सकता है, पर ज्ञान और भावना अलग चीजें हैं, भावना संवेग पर आधारित है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, मनोसामाजिक विकास, मनोसामाजिक विकास और दिया है एक, मनोसामाजिक विकास मतलब हमारा मन सामाजिक अपेक्षा से अपनी मेंटेलिटी बनाता है या भावनाएं बनाता है, और अंत में दिया है संवेदी विकास। मनो, अब फिर से क्वेश्चन को समझिए कि मनो भावनात्मक विकास खाली स्थान का हिस्सा है, तो भावनात्मक विकास किसका हिस्सा है, इन दोनों को तो हमने हटा ही दिया, अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, मनोसामाजिक विकास का या फिर संवेदी सेंसरी विकास, तो इसका आंसर मनोसामाजिक विकास है। आप नॉर्मली सोच रहे हैं भावना मतलब संवेदी सेंसरी, नहीं, यहां पर भावनात्मक विकास की बात की है, और ये पूछा है भावनात्मक विकास किसका हिस्सा है, भावनात्मक विकास किसका हिस्सा है, तो भावनात्मक विकास धीरे धीरे होता है, डायरेक्ट आप में पूरे संवेग तो होते नहीं है, कहते संवेग अर्जित किए जाते हैं जन्म के समय उत्तेजना पर, धीरे धीरे चार संवेग आते हैं, उसी के आधार पर भावना होती है, तो जैसे जैसे आपका मन या आप समाज में घुलते मिलते हैं तो आपका भावनात्मक विकास और अच्छा हो जाता जाता है, जैसे माता पिता आपके अच्छे हैं एक दूसरे से नहीं झगड़ते हैं तो बालक पर भी अच्छा प्रभाव रहता है, इसीलिए इसका आंसर होगा मनोसामाजिक विकास, क्योंकि भावनात्मक विकास मनोसामाजिक के आधार पर ही होता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, पर जितना बड़ा क्वेश्चन होगा मैं हमेशा कहता हूं उतना ही इजी होता है, कितना जूम माइनस करूं, ठीक है, ये देखते हैं क्या दिया, एक बच्चा स्कूल जाते हुए रोज तंग किया जाता है, ठीक है मैं लाइन नहीं खींच रहा हूं, अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज सुनता हुआ घबराने लगता है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बच्चा है और उसे रोज तंग किया जाता है, अब आवाज के द्वारा, अब जब वो किसी आवाज को सुनता हुआ घबराने लगता है, अब उसने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया, ये सीख लिया है कि ये आवाज मुझे डराती है, और आवाज किसी भी प्रकार की मुझे तंग करती है, तो वो अन्य आवाज भी सुनेगा तो क्या करता है, डर जाता है, यह किस सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो साइड में करके देखते हैं, हाँ पुनर्बलन, नहीं पुनर्बलन ये नहीं है, पुनर्बलन में तो क्या होता है कि जो काम आपने सीखने के दौरान, कोई काम आप सीख रहे हैं और आपने एक बार कर दिया,
उसको, तो उस दौरान आपकी प्रशंसा की गई, नेगेटिव या पॉजिटिव कैसी भी तो वो होता है। यहां ये कहा एक बार वो डर गया, दूसरी बार फिर से वही आवाज सुन के डर जाता है, ये कंडी। तो यहां पुनर्बलन तो है नहीं, फिर क्या दंड, दंड भी नहीं क्योंकि दंड यहां दिया ही नहीं गया। उद्दीपन सामान्यीकरण है, उद्दीपन विभेदीकरण, तो उद्दीपन सामान्यीकरण बिल्कुल यही कहेंगे। अभी जो उसके लिए स्कूल जाते समय रोज जो चीज डरा रही थी, रोज तंग किया जाता था, ठीक है ना, अब उसके मन में ये सेट हो गया कि ये चीज मुझे डर जाता हूं मैं इससे, तो उसने यह डरने वाली चीज को, डरने वाले उद्दीपक को सामान्य कर लिया। अब वो सामान्य कंडीशन में भी उस आवाज से डर जाता है, इसलिए यह कहलाएगा उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि एक बालक पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है, उसे यह रोमांच देता है, वह ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसे यह रोमांच देता है, किस प्रकार की प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। तो प्रेरणा के सिद्धांत कई प्रकार से, अभी प्रेरणा कहें प्रेरणा कहें, एक व्यक्ति को या एक बालक को अलग अलग तरीके से प्रेरित किया जा सकता है, उसमें जैसे प्रोत्साहन का सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, वृत्ति सिद्धांत, इन्होंने ड्राइव सिद्धांत का हिंदी में भी ड्राइव सिद्धांत ही लिख दिया, वृत्ति सिद्धांत, पहले इनको समझ लेते हैं थोड़ा सा। प्रोद्दीपन का सिद्धांत वो होता है जब इंटरनली होता है, ये भी कि जब मन में कुछ उत्तेजना होती तो उस उत्तेजना की शांति के लिए कोई बात कोई कार्य किया जाए। प्रोत्साहन सिद्धांत जिसे हिंदी में इंसेंटिव कहा, यह भी इंटरनली होता है पर यहां उत्तेजना का रिलेशन नहीं होता है। ड्राइव सिद्धांत में क्या होता है, जब हमारी कोई आवश्यकता होती है और आवश्यकता के आधार पर हम कुछ करते हैं तो वो ड्राइव सिद्धांत होता है। और वृत्ति सिद्धांत या व्यवहार पर आधारित, ये चार सिद्धांतों में यहां पर अगर ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता कि एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है, कौन सा सिद्धांत है, तो ये क्वेश्चन गलत होता। पर उन्होंने एक साथ ये भी लिख दिया क्योंकि उसे रोमांच देता है, रोमांच आ गया मतलब वही उत्तेजना, तो उत्तेजना जहां शब्द आ जाए तो आप यहां पर अराउजल थ्योरी लगा देना, प्रोद्दीपन सिद्धांत लगा देना, जो कि इन्होंने इसकी हिंदी की है, स्पष्ट हुआ अराउजल थ्योरी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है। स्कूल में जो मार्गदर्शन मिलता है या परामर्श मिलता है, मेरे स्कूल में मुझे मार्गदर्शन और परामर्श देने का हेड बनाया गया था, बहुत पहले की बात है मगर ये, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है, ये बात पूछेगी। तो वाक्यों को पढ़ते हैं, काउंसलिंग या अन्य में मेरी समस्याओं के बारे में बात करने से कोई भी मदद नहीं मिल रही है, ये तो नेगेटिव आंसर हो गया, स्कूल में हमने मदद की है तो हम क्यों कहें नहीं। परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए केवल एक बैठक सेटिंग करता है, ऐसा भी नहीं है, जब तक बच्चे की समस्या समाधान न हो तब तक होता रहता है। और ऑप्शन क्या दिए हैं, व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, यह ये बात बिल्कुल सही। आपने एक पिक्चर देखी होगी, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, शाहरुख खान और आलिया भट्ट, तो शाहरुख खान एक टीचर होता है और आलिया भट्ट उसमें जिंदगी है शायद उस पिक्चर का नाम, तो वो इसी टाइप का टीचर होता है और वो उसको सुझाता है, कुछ हेल्प करता है उसकी, तो क्या होता है फिर वो आलिया भट्ट नाम की लड़की उससे जुड़ जाती है, प्यार करने लगती है। वही बात यहां पर है कि व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है, तो लड़की क्यों जुड़ गई शाहरुख खान से, क्योंकि उसने व्यक्तिगत चीजों को बताया और समझा, इस कारण से वो जुड़ गई। इसमें यही है, जब आपको मार्गदर्शन दिया जाता है और परामर्श दिया जाता है तो आपकी व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर मार्गदर्शन मिलता है, ऐसे नहीं कि आपको कोई भी सलाह दे देगी, वही जो समस्या हुआ है सलाह दी जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा तीन, कि मार्गदर्शन समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है। अब आपको ये लाइन कंफ्यूज करने के लिए डालती कि जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, आप कहेंगे नहीं प्रभावित शिक्षाविद उल्टा प्रभावित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है क्या, तो इसके कारण से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर यह हो सकता है शिक्षाविद जो परामर्श ले रहा वो भी प्रभावित हो सकता है या जो परामर्श ले रहा वो भी प्रभावित हो सकता है। जो परामर्श ले रहा वो तो प्रभावित होने के लिए ही आया है कि भाई मुझे प्रभावित करिए, कुछ मार्गदर्शन करिए, परंतु उल्टा दूसरा भी प्रभावित हो सकता है, ये भी संभावना बनती है। इसका आंसर होगा तीन। फिर भी ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा अंतिम ऑप्शन है, छात्रों को केवल इसलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है। नहीं है, ऐसा नहीं है कोई आंसर कि विद्यालय में परामर्शदाता इसलिए परामर्श मिल रहा है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने के लिए उत्कृष्ट संसाधन है? पता लगाने के लिए मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, जानने समझने के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? एलसीजी प्रोजेक्टर, इंटरनेट, इंटरैक्टिव स्मार्ट बोर्ड या लैंग्वेज लैब? अब मुझे बताइए, आपको ज्ञान चाहिए तो कहाँ जाएंगे? प्रोजेक्टर से ज्ञान नहीं मिलेगा। प्रोजेक्टर में जब तक इंटरनेट नहीं होगा तो वो प्रोजेक्टर में नई नई चीजें आप कैसे पता करोगे? तो इंटरनेट इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। दीर्घावधि, प्रासंगिक स्मृति, अर्थ स्मृति, अल्पावधि। अब नाम से ही मिल रहा है, प्रसंग और घटनाओं के साथ, तो प्रासंगिक, इसलिए इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? स्थैनिक ही नाम दे दिया इन्होंने, इंग्लिश में भी स्थैनिक दिया है। अब इसको इनको हिंदी में कन्वर्ट करना चाहिए था, ये इनकी गलती, और इसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हैं कि हमने मान लो इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा तो आपने इंग्लिश के शब्द को हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया, हिंदी लिपि में बस कन्वर्ट किया है, फिर भी अर्थ करते हैं। स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो फ्रायड ने, सेल्डन ने, क्रेस्मर ने, यूंग ने। यूंग ने तो मनोविज्ञान व्यक्तित्व भेद बताया, अंतर्मुखी बहिर्मुखी। इसका आंसर जर्मनी के जो थे वो क्रेस्मर थे, उन्होंने शारीरिक शरीर के आधार पर तीन भेद बताए हैं, जिसमें एक है स्थैनिक, वो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कमजोर और खिलाड़ी व्यक्तित्व के, या इस तरीके से। तो स्थैनिक मतलब कमजोर टाइप का व्यक्तित्व, तो आप फोटो में देख सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं करना चाहिए था पेपर बनाने वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के तीन प्राथमिक नियम है, मैंने आपको परसों ही इसकी ट्रिक बताई थी कि आप तापी याद कर लीजिए, तापी तापी, या फिर याद कर लीजिए आपत्ति। तो तापी का ता मतलब तत्परता, और तापी में जो आ है, आ मतलब अभ्यास, और पा मतलब प्रभाव या परिणाम। या आपत्ति याद कर लीजिए, आपत्ति, तो आपत्ति में आ मतलब अभ्यास, पा मतलब प्रभाव परिणाम, ता मतलब तत्परता। तो ये तीनों जहां मिल रहे हैं वो आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए कौन सा इसका आंसर सही है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इसका अंदाजा सभी को होता नहीं है कि ये मिनसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी AMPI 2 जोड़ा है इसमें, निम्न में से है ये मिनसोटा मल्टीपर्पज या मल्टीफेजिक पर्सनालिटी? क्या मामला है, क्या चीज है? एक्चुअल में एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, या व्यक्ति के बारे में, या कानून से संबंधित उसके उसके मन की मानसिक क्षमताओं, या उसके मन में क्या है, ये जानने के लिए टेस्ट होता है, जो कि मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में ये इसका खोज की गई है। ठीक है, अब ये इसकी खोज किसने की, ये एक लंबी कहानी है। वैसे इसका हाथवे नाम आता है, स्टार्क आर हाथवे, और चार्नले का भी इसमें नाम आता है, ये मैं अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा तब बताऊंगा, पर ये बहुत ही प्रामाणिक और कॉपीराइट मिनेसोटा यूनिवर्सिटी ने इसका लिया, एक टेस्ट है, इसमें ट्रू और फॉल्स वाले, सही गलत वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके आंसर के आधार पर आपको ये आपकी मनोवृत्ति को समझा जाता है कि आपके मन में क्या है। आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आपके मन की बात को निकलवा लेते हैं। तो ये पूछा है कि इस MMPI मतलब मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंचरी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर बिल्कुल, तो इसमें भी टू लिख दिया है इन्होंने, है ना। तो इसमें निम्न में निम्न है क्या, मतलब इसमें कितने आइटम होते हैं, 400 से अधिक, 500 से अधिक, 500 से कम, या 300 से कम? एक्चुअली मिनेसोटा जो मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंचरी है, इसमें 567 आइटम होते हैं, 500 से अधिक, ये ऑप्शन दिया, इसका आंसर होगा दो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्याजे की संवेदनात्मक कामक अवस्था में संवेदी पेशी अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था जिसको संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, कि किस उप अवस्था में, अब आपको पता है जो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं, उनमें चार अवस्था की जो पहली अवस्था संवेदी पेशी या मोटर सेंसरी भी कहते हैं जैसे, उसकी भी पांच उप अवस्थाएं हैं, छह हैं कई बार, तो मतलब पांच में चर्चा होती है।
तो पांच कौन कौन सी हैं? एक जीरो से एक माह तक की, फिर एक माह के बाद से चार माह तक की, फिर चार माह से आठ माह तक की, ऐसी करके उन्होंने पांच चीजें बताई हुई हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उपअवस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं, मतलब जैसे कोई अंगूठा चूसा उन्हें और उन्हें आनंद आया तो वह वो बार बार करते हैं, ये कौन सी एज में करते हैं? तो यह एज होती है एक से लेकर चार तक की, और एक से लेकर चार तक की आयु को बोलते हैं प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं, ये कहलाते हैं। देखो जीरो से एक में तो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है बालक, पर एक के बाद अर्थात दो से चार तक वर्ष की एज में वह क्या करता है? प्राथमिक वृत्तीय अनुक्रियाएं करता है, जिनमें उन्हें आनंद आए उन्हीं को बार बार दोहराते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एक। अब हम चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? आंसर दिखा दिया मैंने आपको, फिर भी बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वह अपनी मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं? भाई बच्चे क्या विकसित कर लेते हैं जब वह मानसिक प्रक्रियाओं से अवगत होते हैं? भाषाई क्षमताएं, भाषा एक अलग मैटर है। इन्होंने पूछा मानसिक प्रक्रियाओं को जब वो समझ लेते हैं तो उनमें क्या मिलता है, उनको क्या विकसित कर लेते हैं? अधिभाषाई क्षमताएं नहीं, ये भाषा का अलग, भाषा विकास सिस्टम अलग है। अधिसंज्ञान, देखो अब आपने नाम सुना है ना, मानसिक विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत मानसिक चर्चाएं होती हैं, थोड़ा सा नाम बदल दिया, यहां मानसिक है यहां संज्ञान है, तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि मानसिक और ज्ञान संबंधित है परस्पर। फिर भी जागरूकता और कायांतरण, कायांतरण तो बिल्कुल नहीं होगा, जागरूकता अवेयरनेस कह सकते हैं, पर जागरूकता से ज्यादा पावरफुल आंसर रहेगा अधिसंज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। लेखन प्रणाली, संज्ञा मतलब किसी का नाम, किसी का नाम में संज्ञा में छह चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन, ये छह चीजें आती हैं। तो ये सबसे छोटी इकाई नहीं है जबकि संज्ञा, संज्ञा में भी जैसे हमने बोला माँ, तो माँ में माँ है और आ है, इसलिए छोटी इकाई नहीं है। क्रिया भी छोटी इकाई नहीं है, तो फिर सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? स्वनिम, स्वनिम मतलब फोनेम। अब देखो इन्होंने बिल्कुल गलत ट्रांसलेट किया, स्वनिम बोल दिया, फोनेम, फोनेम्स मतलब कहलाता है बोलने में, फोनेटिक सिंबल्स होते हैं, बोलने में इनका यूज होता है, हिंदी में जिसे कहेंगे कि उच्चारण करने में जिनका, कि किस वर्ड का कैसे उच्चारण करना है, ये जिस चीज में सिखाया जाता है वो फोनेम कहलाते हैं। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, हिंदी उन्होंने बिल्कुल अजीबोगरीब कर दी, स्वनिम कोई स्वर समझ जाएगा इसको, यही आंसर लगा सकता है और कोई, जबकि ये नहीं है। तो फिर क्या है इसका? वर्णिम। हाँ, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इसको अंग्रेजी में ग्रैफेम्स कहा है और इसको हिंदी कर दी इन्होंने वर्णिम। इसकी तो सही है, वर्णिम वर्ण करते ना, ये दक्षिण वाले थे तो इनमें साहूपुरम मामा अंत में लगाते हैं, तो इन्होंने यहां पर भी वर्णिम कर दिया, स्वनिम कर दिया, वर्णिम इसका आंसर वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए। एक गेंद है 2 सेंटीमीटर की, उसे आप चपटा कर दो या छड़ी बना दो, मात्रा वही रहेगी क्योंकि उतनी ही मिट्टी ली है, ऐसा किस एज में बालक समझ जाता है, है ना? एक तो ये बात हुई, फिर उन्होंने समझा उससे छड़ी में डाला है। यहां प्रश्न ये है, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है? संज्ञानात्मक विकास में भी सिद्धांत बहुत अलग अलग हैं, संरक्षण का, तीन चीजें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, एक जो उनमें से एक है संरक्षण, संरक्षण ये पहले ऑप्शन में दी, इसमें क्या होता है किसी भी भौतिक वस्तु के गुणों को, क्वालिटी को वो समझने लगते हैं। ठीक है, तो ये संरक्षण, तोड़फोड़ भी अगर वस्तु को दो तो भी वो समझ जाते हैं कि इसमें क्या है कैसे है, तो इसका उत्तर होगा संरक्षण का सिद्धांत, सरल प्रश्न था ये, इसलिए मैंने इसके और ऑप्शंस पर चर्चा नहीं की। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती हैं, वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती हैं? उपरोक्त सभी पहला ऑप्शन दे दिया है, अजीबोगरीब, उपरोक्त सभी हमेशा लास्ट में दिया जाता है,
फिर भी अच्छा है, घुमाया फिराया है, आपकी मर्जी, आपने पेपर बनाया। शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से ये बात सही है कि उन्हीं तरफ संलग्न होते हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से कहा। नॉर्मली तो सारों को करेंगे, पर वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों की ओर संलग्न होते हैं। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं, बिल्कुल सही है, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करते हैं, सही है। जब आप कोई पेपर लोगे तो वो केवल साक्ष्य को ही प्राथमिकता देंगे, शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण करेंगे, ये दो तो बिल्कुल हो गई। इसमें थोड़ा डाउट है कि शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों की ओर संलग्न होते हैं, पर फिर दो हैं इसलिए उपयुक्त सभी आप सिलेक्ट करेंगे। जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है, वे बच्चे होते हैं दूसरों के प्रति असहिष्णु। बच्चों और माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है लिखा है, तो दूसरों के प्रति असहिष्णु बिल्कुल नहीं होंगे अगर घर में अच्छे संबंध है तो। आवेगी, आवेगी मतलब इंपल्सिव, मतलब आवेश जल्दी आ जाता है, ऐसे भी वो नहीं होंगे। कमजोर बौद्धिक नियंत्रण, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण, समय को पर नियंत्रण प्राप्त नहीं कर पाती, ये भी इसका आंसर नहीं है। अच्छा होगा वो बालक जिसके घर में माता पिता और बच्चों के संबंध अच्छे होंगे। सामाजिक भागीदारी में सफल, यही आंसर इसका सही है, वो समाज में अच्छे से उठ बैठ पाते हैं, व्यवहार उनका अच्छा होता है अगर घर में उन्हें अच्छा माहौल मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा चार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम में सिद्ध किया कि अधिगम है, कोहलर ने अंतर्दृष्टि अधिगम में सिद्ध किया कि अधिगम है, इसको समझते हैं। ये तो सबने सुना होगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें वो चिंपांजी पर उसने प्रयोग किया था सुल्तान नाम के, तो इसमें सिद्धांत क्या किया है, इन्हें गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है, आपको ध्यान होगा। तो गेस्टाल्ट का मतलब क्या था, संपूर्ण था। कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्ध किया है कि अधिगम खाली स्थान है, एक स्वायत्त यादृच्छिक गतिविधि है, ये तो बात सही है, पर कोहलर के अनुसार क्या है, प्रयत्न एवं त्रुटि की एक घटना है, कोहलर के अनुसार सही नहीं है, ये थोंडाई के अनुसार सही है। संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति, ये संपूर्ण शब्द आ गया ना, ये गेस्टाल्टवादी, ये कोहलर ही है, इसलिए इसका यही आंसर होगा। उत्तेजना प्रतिक्रिया, ये वही आ गया फिर से थोंडाई वाला, इसलिए इसका आंसर संपूर्ण स्थिति की नई अनुभूति। अगला प्रश्न देखते हैं। वायगोत्स्की ने खाली स्थान के कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया है जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं, स्पष्ट क्वेश्चन हुआ। वायगोत्स्की ने खाली स्थान कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया है, वायगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत का प्रतिपादन किया, सामाजिक सांस्कृतिक, व्यक्तिगत सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक सामाजिक का आंसर, सिद्धांत उन्होंने वही दिया इसलिए आंसर वही होगा सामाजिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये क्या है, ये लिखा है प्याजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अनवित योजना के निर्माण में मदद करता है, ये अनवित योजना जिन्हें, अब याद रखना मुझे भी नहीं पता था ये कि इस स्कीमा को अनवित कहा है, तो प्याजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि स्कीमा के निर्माण में मदद करती, मतलब जब बच्चा लर्निंग करते समय स्कीमा का निर्माण करता है, मतलब मानसिक चित्रण करता है, सिस्टम में सेट करता है बुद्धि को, ज्ञान जो उसने प्राप्त किया है, तो वह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, या कौन सी विधि है वो, तो पूछताछ करके बिल्कुल नहीं, अभिप्रेरणा से बिल्कुल नहीं, विचार विमर्श ये भी नहीं, समंजन, समंजन क्या नाम है इसका इंग्लिश दिया है, एकमेंडेशन, एकमेंडेशन इसका आंसर है, इसके उन्होंने समंजन दिया है, पर ये समायोजन कहलाता है, आपने समायोजन कहलाता है, दो तीन नाम सुने होंगे, आत्मा आत्मसातकरण करना, समायोजन करना, समावेश करना, तो ये दो चीजें थी प्याजे के सिद्धांत में, एक तो था संगठन और एक था वातावरण, तो संगठन में प्रत्यक्ष क्षण बुद्धि आदि थी, तो वो संगठन से जो अनुकूलन बिठाते हैं, अनुकूलन में ही समंजन शब्द आ जाता है, इसलिए इसको समंजन इन्होंने दिया, जबकि सही उत्तर समायोजन, इसकी हिंदी अपन लोग मध्य प्रदेश की पुस्तकों में पढ़ते हैं उत्तर भारत की, इसलिए इसका उत्तर अकमंडेशन इंग्लिश से क्लियर हो जाता है, जिसका उन्होंने हिंदी समंजन किया, जबकि समायोजन होना चाहिए, ठीक है समंजन भी ठीक है, प्रचलित नहीं है। मगर मास्लो के पांच अवस्था मॉडल खाली स्थान
के आकार में है, सबको पता है पिरामिड ये लिखा है। ठीक, अंकित परीक्षा में चोरी करता है और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है, उसके लिए इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। माता पिता की सहभागिता का अभाव, मन पर्यटन की अवस्था, आत्मसम्मान की कमी, दूसरों पर निर्भरता है। बट अगर चोरी कर रहा है, परीक्षा में नकल कर रहा है, ना परीक्षा में चोरी करेगा क्या, परीक्षा में नकल करेगा, तो इन्होंने चोरी करा लिखा। ठीक है, अब अपने हिसाब से लिखा है तो दूसरों पर निर्भरता इसका आंसर होगा। ठीक, नकल करने को चोरी करना इन्होंने माना। खालिस्तान सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। खालिस्तान सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं के लिंगों के बीच आंतरिक अंतर, जो अंतर होता है दोनों में, अंतर के कारण वो अलग और अपरिवर्तनीय है। कारण जो है, अंतर के जो कारण है, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो अंतर के कारण है वो अलग होते हैं और अपरिवर्तनीय होते हैं, उन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कौन कौन से हैं वो, जैसे स्त्री अलग होती है, पुरुष अलग होता है, तो उनके कारणों को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये किस सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक निर्माणवाद, नहीं, ये तो अलग चीज है, अंतरानुभागीय। अपन को लग रहा है कि अंतर की बात की गई है आंतरिक की, इसलिए अंतरानुभागीय होगा, नहीं। लिंग से मतलब शरीर है, अलग अलग होता है दोनों का। ठीक है, तो इसके अलग है और अपरिवर्तनीय है। ये लिंग अनिवार्यता है कि लिंग सभी में स्पष्ट होता है, निश्चित होता है, बदलता नहीं है, है ना, कंपलसरी होता है, सेंसलेस। इसलिए इसका उत्तर तीन होगा। इन्होंने क्या दिया देख लेते हैं, अनिवार्यता तीन ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है, गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखना, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। दृश्य एक गतिविधि है, पर आप देखने के साथ कुछ सीखें जरूरी नहीं है। मौखिक एक गतिविधि है पर सीखें जरूरी नहीं है। काइनेस्थेटिक और श्रवण, इसका हिंदी भी आना चाहिए था, वैसे मैंने इसको कहीं पढ़ा था। और काइनेस्थेटिक एक थ्योरी है, यू जब आप कोई गतिविधि करते हैं, एक्टिव होते हैं किसी काम में, और एक्टिविटी के दौरान आप कोई चीज सीखते हैं, लर्निंग वाइल एक्टिविटी, तो उसे कहते हैं काइनेस्थेटिक। इसलिए आपको यही दिमाग में सेट करना है, काइनेस्थेटिक, उसको नाम ही दे दिया वो। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन क्या है, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोणों के बारे में सत्य नहीं है। रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण, इसको समझते हैं। यह शिक्षक को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। बिल्कुल अजीब लग रहा है, पर यही देख सकते हैं क्या होता है। छात्र एक दूसरे के मत को महत्व देना सीखते हैं। अच्छा, हाँ, ये उन्होंने कहा दृष्टि से, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है, ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता, बिल्कुल सत्य है। छात्र एक दूसरे के मत को महत्व देना सीखते हैं, ये भी सही है रचनात्मक शिक्षण के संबंध में। यह प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करता है। भाई, पाठ्यक्रम को प्रत्येक छात्र की रुचि के हिसाब से बनाने में मदद ये नहीं करेगा, ये इसका आंसर याद करने वाला मैटर, पाठ्यक्रम के टॉपिक के बारे में जो पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको समझ में आ जाएगा। एक छात्र उसके सोच के और विचारों पर उपयोग किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन 29 देखा, क्या दिया है, फ्रायड के अनुयायी एरिक्सन, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण विधि के प्रतिपादक, फ्रायड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास के खालिस्तान अवस्थाओं को बनाने में के लिए संश्लेषित किया, जो कि जन्म से मृत्यु तक होती हैं। सभी को पता है फ्रायड मनोसामाजिक विश्लेषणात्मक विधि का उन्होंने प्रतिपादन किया, इसलिए इसका मनोसामाजिक आंसर हो जाएगा। बच्चों को खालिस्तान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। डर, गुस्सा, झिझक, घृणा, ये बहुत नेगेटिव हैं। झिझक इसका आंसर है कि झिझक हो उसके पहले ही वो उस चीज़ को समझने लगे। ठीक है, ये उत्तर हुआ। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके कितने नंबर बने हैं और
लोगों तक इसको भेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट सीरीज भी इसी एक्सप्लेनेशन के साथ हल करें तो आप मुझे ये भी बात बताएं, अपने विचार बताएं। आज के लिए धन्यवाद।